व्हेन डॉन प्लेस टेनिस 65% ऑफ हिज फर्स्ट सर्व्स गो इनटू द करेक्ट एरिया ऑफ द कोर्ट। जब आप टेनिस खेलते हो तो टेनिस में आपने जब सर्व करवानी होती है वो कैसे करनी होती है, क्रॉस में, है ना। तो बोलते हैं 65% टाइम्स ऐसा होता है कि जब वो पहला शॉट मारता है, जब वो सर्व करवाता है, जो प्लेयर सर्व करवाता है उसने जो है वो करेक्ट कोर्ट में उस बॉल को डालना होता है, तो 65% वक्त ऐसा होता है कि उसकी सर्व सही जगह पर जाती है। इफ द फर्स्ट सर्व गोज इन टू द करेक्ट एरिया, अगर पहली वाली सर्व करेक्ट एरिया में चली गई, यानी कि सही जगह पर चली गई, यानी कि वो प्लेयर इधर खड़ा हुआ है तो उसने अगले वाले प्लेयर को यूं क्रॉस पे सर्व करवानी होती है ना, चली गई, हिज चांस ऑफ विनिंग द पॉइंट इज 90%। 90% टाइम ऐसा होता है अगर अगर सर सही एरिया में चली गई, उस केस में 90% टाइम ऐसा होता है कि ये वो वाला मैच जीत जाता है, वो वाला पॉइंट जीत जाता है। इफ हिज फर्स्ट सर्व डज नॉट गो इन टू द करेक्ट एरिया, अगर ऐसा हो कि उसकी जो सर्व है उसने यूं क्रॉस में मारने की कोशिश करी लेकिन यूं क्रॉस में नहीं गई, सामने ही चली गई, डॉन इज अलाउड अ सेकंड सर्व। ऐसा ही टेनिस में होता है, फिर आप सेकंड सर्व करते हो, वापस से आप जो है वो बॉल उठाते हो और वापस से उसको सेकंड सर्व करते हो, एंड ऑफ दीज 80% गो इन टू द करेक्ट एरिया। और फिर जब सेकेंड टाइम वो सर्व करवाता है तो 80% सर्व ऐसी होती है जो सही एरिया में चली जाती है। इफ द सेकेंड सर्व गोज इन टू द करेक्ट एरिया, अगर सेकेंड वाली सर्व सही एरिया में चली गई, हिज चांस ऑफ विनिंग द पॉइंट इज 60%, तो इसके जीतने के उस पॉइंट को चांसेस जो है वो 60% है। इफ नीदर सर्व गोज इन टू द करेक्ट एरिया, अगर कोई भी सर सही एरिया में ना जाए, डॉन लूजेस द पॉइंट, तो डॉन वो गेम हार जाता है, वो पॉइंट उसको नहीं मिलता। रूल के हिसाब से मे भी उसको बोल दिया जाता है कि दो सर्व गलत हो गई ना, आप सामने वाली पार्टी को एक पॉइंट मिल गया, आपकी बारी गई। ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री डायग्राम बनाओ। अब ट्री डायग्राम में आप सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते हो कि क्या हो रहा होगा, क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बताओ, गेम शुरू होगा तो क्या होगा, वो सर्व करेगा, शॉट मारेगा, वो शॉट मारेगा तो क्या क्या हो सकता है, या तो सही एरिया में चला जाए या तो नहीं जाए, यानी कि गलत एरिया में चला जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। तो हम जब अपना ट्री डायग्राम बनाना शुरू करेंगे, देखो हम यूं कह देते हैं कि जब वो सर्व करेगा ना तो या तो वो सर्व सही एरिया में जाएगी या तो सही एरिया में नहीं जाएगी। अगर सही एरिया में चली जाए, सही एरिया में सर्व चली जाए, कितने चांसेस हैं, 65% चांसेस हैं कि उसने सर्व करवाई और वो सही एरिया में चली गई, ठीक है। अच्छा, जब सर्व सही एरिया में चली जाती है तो फिर गेम शुरू हो जाता है, वो सामने वाला भी शॉट मार रहा है, ये भी मार रहा है, सही है ना, दोनों खेल रहे हैं। अब क्या होगा, इफ द फर्स्ट सर्व गोज इन टू द करेक्ट एरिया, हिज चांस ऑफ विनिंग द पॉइंट इज 90%। अगर पहली सर्व सही एरिया में चली जाती है तो इसके पॉइंट के जीतने के 90% चांसेस हैं। गेम शुरू हो गया, दोनों खेल रहे हैं, 90% चांसेस है कि ये जीत जाएगा। और दूसरा काम ये भी हो सकता है कि सर सही एरिया में ना जाए। अब सही एरिया में अगर चली जाती है तो इसके गेम जीतने के 0.9 या 90% चांसेस है, गेम ना जीतने के 0.1 चांसेस है, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब अगर सर सही एरिया में नहीं गई, उस केस में ये दूसरी सर्व करवाएगा, ऐसा ही है ना, उसने ये लिखा था ना भाई, इसने सर्व मारी और वो सही एरिया में नहीं गई तो ये दूसरी सर्व करवाएगा, सही एरिया में गई होती तो क्यों करवाता। तो अगर सर्व सही एरिया में नहीं गई होगी उस केस में ये दूसरी सर्व करवाएगा। और फिर लिखा हुआ है इफ हिज फर्स्ट सर्व डज नॉट गो इन टू द करेक्ट एरिया, अगर इसकी सर्व सही एरिया में नहीं जाएगी, डॉन इज अलाउड अ सेकेंड सर्व, तो वो दूसरी बार वापस से ट्राई मारेगा, एंड ऑफ दीज 80% गो इन टू द करेक्ट एरिया, और इसमें से 80% सर्व सही एरिया में जाएंगी,
यानी कि अब वापस से वो ट्राई मार रहा है, सही एरिया में जाने की प्रोबेबिलिटी 0.8, सही एरिया में ना जाने की प्रोबेबिलिटी 0.2. If his first serve goes into the correct area, Don is allowed a second serve and of these 80% go into the correct area. If the second serve goes into the correct area, अगर second serve सही area में गई, his chance of winning the point is 60%. तो इसके point जीतने के इम्कानात 60% होंगे. इसका मतलब ये हो गया कि यहां से रूट निकलेगा विन लूज 0.6 0.4, ठीक है जी. अच्छा उसके बाद क्या है, इफ नीदर सर्व गोज इनटू द करेक्ट एरिया डॉन लूजेस ही पॉइंट, यानी कि पहली सर्व करवाई सही जगह नहीं गई, दूसरी सर्व करवाई सही जगह नहीं गई, तीसरी सर्व करवाई वो भी सही जगह नहीं गई, तो क्या होगा, ये हार जाएगा, फिर जीतने का कोई सवाल ही नहीं है. ठीक है ना, आप डायग्राम को समझते देखो, पहली सर्व करवाई सही एरिया में जाए ना जाए, सही एरिया में गई और ये जीत गया 0.9, हार गया 0.1, सही एरिया में नहीं गई तो दूसरी सर्व करवाई, दूसरी सर्व सही एरिया में जाए 0.8, और फिर दूसरी सर्व सही एरिया में चली जाए तो फिर जीतने के चांसेस 0.6, हारने के 0.4. सही एरिया में दूसरी सर्व भी ना जाए फिर ये कंफर्म पॉइंट हार जाएगा, यानी कि 1. समझे बात को, ठीक है. तो पहले वाले पार्ट में उसने क्या बोला था, पहले वाले पार्ट में उसने बोला था ड्रॉ अ ट्री डायग्राम टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन, यानी कि ऊपर जितनी भी मैंने कहानी लिखी है इसको ट्री डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, ट्री डायग्राम बनाओ, जो मैंने अभी बनाया. अगले में बोलता है यूजिंग योर ट्री डायग्राम, अपना ट्री डायग्राम यूज करते हुए फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट डॉन लूजेस द पॉइंट. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉन पॉइंट हार जाए. अब पॉइंट हार कब कब रहा है, पहली सर सही एरिया में जाए फिर हार जाए, पहली सर सही एरिया में ना जाए दूसरी सर सही एरिया में जाए फिर हार जाए, पहली भी सर सही एरिया में ना जाए दूसरी सर भी सही एरिया में ना जाए और हार जाए, तीन तरह से हार रहा है ना. देखो पहली सर सही एरिया में जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और फिर ये पॉइंट हार जाए, यानी कि 0.1, सही है. अच्छा पहली सर सही एरिया में ना जाए 0.35 और फिर दूसरी सर्व सही एरिया में चली जाए 0.8 और फिर ये पॉइंट हार जाए 0.4, सही है. और तीसरा केस क्या हो सकता है, पहली सर्व सही एरिया में ना जाए दूसरी सर्व भी सही एरिया में ना जाए और ये पॉइंट हार जाए, समझ रहे हो बात को. देखो तीन तरह से हारेगा ये, सर्व सही एरिया में चली गई हार गया, सर्व सही एरिया में नहीं गई फिर दूसरी सर्व करवाई वो सही एरिया में चली गई फिर हार गया, और या तो फिर सर्व पहली भी सही एरिया में नहीं गई दूसरी भी सही एरिया में नहीं गई. अब मुझे बताओ इसका फाइनल आंसर कितना बनता है, कोई सवाल है किसी का तो पूछो और कॉपी भी करो साथ साथ. 0.247, हाँ भाई 0.247 यही आ रहा है सबका आंसर, यही आ रहा है सबका आंसर. हाँ जी 0.247 ही आ रहा है सबका आंसर. कॉपी करें इसको जल्दी से. बताओ जी कोई मसला है इसमें,
कोई मसला नहीं है ना। सही है भाई। अच्छा मुझे अगर लेट से मैं इस ट्री डायग्राम को थोड़ा सा जो है ना वो टेबल की शक्ल देता हूँ या नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ। लेट से ये 1000 बार ये गेम खेलता, पॉइंट है ना, एक मैच में ही 25, 30, 40 पॉइंट खेले जा रहे हैं अपने दोस्त के साथ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक। सही है, 1000 मैचेस खेलता है अगर ये 1000 मैचेस खेलता है, इसने सर्व करवाई, सर्व सही एरिया में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.65। यानी कि 1000 में से 650 बार ऐसा हुआ होगा, 1000 का हम 0.65 ले लेंगे ना, 1000 मल्टीप्लाइड बाय 0.65 करो 650 आएगा। आ रहा है? यानी कि 1000 में से 650 बार ऐसा होगा कि इसकी पहली सर्व सही जगह गई होगी, और 1000 गेम्स में से 350 बार ऐसा हुआ होगा कि इसने सर्व करवाई और वो सही एरिया में नहीं गई होगी। ऐसा ही है। अच्छा फिर दूसरी चीज, 650 गेम्स, 1000 टोटल गेम्स खेले, 650 ऐसे गेम्स हैं जिसमें उसकी सर्व सही एरिया में चली गई और 350 गेम्स ऐसे हैं जिसमें सर्व सही एरिया में नहीं गई। अच्छा अब 650 गेम्स जो हैं, 650 गेम्स जो हैं, जब इसकी सर्व सही एरिया में जाती है, सवाल ने कहा था 90% चांसेस है कि वो गेम जीत जाता, तो 650 का 90% देखो कितना होता, 650 में से 90% गेम्स वो जीत जाएगा ना, तो 650 का 90% देखो 585। और बाकी 10% कितना होता है? बात समझ में आ रही है? मैं नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं अपना ट्री डायग्राम। अगर ये 1000 गेम्स खेलेगा तो 1000 में से 650 गेम्स में इसकी पहली सर सही जगह पर जाएगी, उसमें से 90% गेम्स ये जीत जाएगा, यानी कि 585 गेम्स ये जीत जाएगा और 65 गेम्स हार जाएगा। अगर सर सही एरिया में नहीं जाएगी फिर क्या होगा? फिर ये दोबारा सर्व करेगा। अब जब ये दोबारा सर्व करेगा तो उसमें से 80% 0.8 80% सर्व सही एरिया में जाएंगे, तो आप 350 का कितना परसेंट लो? 80% कितना होता है? 280। और 350 का 20% लो 70। ये बात भी क्लियर है? 350 गेम्स जिसमें इसकी पहली सर्व सही जगह पर नहीं गई, उसमें से 280 गेम्स ऐसे होंगे जिसमें दूसरी वाली सर्व अब सही जगह पर जाएगी, और उन 350 में से 70 ऐसे होंगे जिसमें से दूसरी सर्व भी सही जगह पर नहीं जाएगी। अब जो 280 गेम्स हैं जिसमें सर्व दूसरी वाली सही जगह पर गई, उन 280 में से ये कितने फीसद मैचेस जीतेगा? 0.6, 60%। सवाल में लिखा हुआ था अगर दूसरी सर्व सही जगह पर गई तो ये मैच जीतेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 60% होगी, तो तुम 280 का 60% लो कितना आता है? 168। और 280 का 40% कितना बनता है? 112। क्लियर है? ये यही आ रहा है सबका आंसर? ठीक है। और जो 70 गेम जिसमें सेकंड सर्व भी सही जगह पर नहीं जाएगी, उसका नतीजा क्या दिया जाएगा कि ये वो 70 गेम्स हार गया। ऐसा ही है ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये बंदा 1000 गेम खेलता है, 1000 में से कितने गेम हारेगा? 65, 112 और 70, है ना? देखो अगर ये बंदा 1000 गेम खेलता है, अगर ये बंदा 1000 गेम खेलता है तो 1000 में से 65, 65 जमा 112 जमा 70 कितना होता है?
प्लस 112 प्लस 70 247 होता है। 1000 में से 247 गेम्स ये हार जाएगा। अच्छा इसमें तीनों तरह के गेम शामिल है, वो वाले भी शामिल है जिसमें पहली सर सही जगह पर थी हार गया, वो वाले गेम भी शामिल है जिसमें पहली सर सही जगह पर थी, दूसरी सर सही जगह पर नहीं थी और हार गया, और इसमें वो वाले गेम्स भी शामिल है जिसमें दोनों सर सही जगह पर नहीं थी फिर भी हार गया। और 1000 में से कितने गेम जीता होगा ये? 585 प्लस 168 प्लस 0 753। अब यार मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि एक बंदा 1000 में से 247 गेम्स हारेगा तो इस बंदे के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो तुम बोलोगे सर 247 अपॉन 1000, क्या आंसर आएगा? क्या यही आंसर आ रहा है? नीचे भी यही आंसर आ रहा है। आपने जो निकाला है 0.247 वो इससे मैच कर रहा है ना। अगर हम यूं सोच रहे हैं ये बंदा 1000 गेम खेलेगा और क्या 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 होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, उस हिसाब से कैलकुलेट कर लें फिर भी सही आएगा। और अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए मल्टीप्लिकेशंस के हिसाब से चलते रहे फिर भी यही आंसर आएगा। 1000 में से 247 गेम हारना यानी कि 0.247 हारने की प्रोबेबिलिटी। अगले पार्ट में बोलते हैं फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको कोई कंडीशन दी हुई होती है। कैसी कंडीशन? देखो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स फर्स्ट सर्व वेंट इनटू द करेक्ट एरिया गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट। गिवन के बाद कंडीशन दी हुई होती है, इसका क्या मतलब सर? देखो अब वो बोल रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि डॉन की पहली सर्व करेक्ट एरिया में गई होगी गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट हारा होगा और इसकी जो बॉल है वो पहली बार करेक्ट एरिया में गई होगी। गिवन के बाद कोई कंडीशन दी हुई होती है, गिवन के बाद जो कंडीशन दी हुई होती है उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हमने जो 0.247 निकाला या हमने बोला 1000 गेम्स खेलता है, 1000 में से 247 क्या करता है? ये हारता है। यानी कि हमने ये बोल दिया कि इसके हारने की प्रोबेबिलिटी 0.247 है या लगभग 25% है। यानी कि हमने ये बोला ये बंदा 1000 गेम खेलता है तो तकरीबन 250 गेम्स हारता है और 750 गेम तकरीबन जीतता है, या ये कोई भी गेम खेलेगा उसके हारने की प्रोबेबिलिटी 25% है, जीतने की प्रोबेबिलिटी तकरीबन 75% है, ऐसा बोला ना। अब पार्ट थ्री में ऐसा नहीं है, पार्ट थ्री में बोल रहे हैं यार ये मैं कहता हूँ ये हारा मैच, वो जो मैचेस हारा है उसमें से कितने फीसद ऐसे मैचेस थे जिसमें इसकी पहली सर्व सही जगह पर गई थी। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डॉन्स फर्स्ट सर्व वेंट इनटू द करेक्ट एरिया गिवन दैट ही लूजेस द पॉइंट। अब देखो ये जो 247 मैचेस ये हारा है 1000 में से, इसमें तीन तरह के मैचेस थे। इसमें 65 मैचेस वो थे जिसमें इसकी पहली सर्व सही जगह पर गई थी और ये हार गया। इसमें 112 मैचेस वो है जिसमें पहली सर्व सही जगह पर गई थी, पहली सर्व गलत जगह पर गई थी, दूसरी सर्व सही जगह पर गई थी और ये हार गया। और इसमें 70 मैचेस वो हैं जिसमें से दोनों सर्व सही जगह पर नहीं गई थी। अब देखो पहले 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 पिछले पार्ट में ये टोटल में से पूछ रहा था कितने मैचेस हारा, अब वो बोल रहा है जो हारा उसमें से कितने परसेंट ऐसे थे, जो हारा उसमें से कितने परसेंट ऐसे थे जिसमें इसकी पहली सर सही एरिया में थी। तो इस पार्ट के लिए आप बोलोगे कि जो हारा उसमें से 65, जो हारा 247 उसमें से 65 मैचेस ऐसे थे जिसमें इसकी पहली सर सही एरिया पर थी।
यानी कि आप इसको कैलकुलेट करोगे 65/247। 65/247 कितना आता? 0.263 या 26.3%। सर 26.3% का क्या मतलब है? जिन मैचेस में मैं हारा हूं उन मैचेस का तकरीबन 26% मैचेस, जिनमें हारा हूं उन मैचेस में से तकरीबन 26% मैचेस वो थे कि जिसमें मेरी पहली सर्व सही जगह पर थी फिर भी हार गया। समझ रहे हो? एक कंडीशन बता दी, उसने ये नहीं बोला मुझे वो मैचेस बताओ जिसमें ये हारा, टोटल में से नहीं पूछ रहा, ये बोल रहा जिन मैचेस में मैं हारा, जिन मैचेस में मैं हार गया उन मैचेस में से कितने फीसद मैचेस ऐसे थे कि जिनमें मेरी पहली सर्व सही जगह पर गई थी। समझ रहे हो? तो जो मैचेस में हारा उसमें से तकरीबन 26.3% मैचेस ऐसे थे जिसमें मेरी स्टार्टिंग सही हुई थी, मेरी पहली सर्व सही जगह पर गई थी, क्योंकि मैं 247 मैचेस आ रहा हूं और उसमें से 65 मैचेस ऐसे थे जिसमें से मेरी पहली सर्व सही जगह पर गई थी फिर भी मैं हार गया। समझ रहे हो? कितने लोगों को इन दोनों का डिफरेंस समझ आया? पार्ट टू और थ्री का आया समझ? क्लियर है? सही है। अब इसको कॉपी करो,